हरियाणा बोर्ड ने इस साल 12वीं कक्षा के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में बहुत अधिक बदलाव किया है। करंट सेशन के लिए यानी कि जो सेशन अभी चल रहा है 2023 और 24, और इन सब बदलाव की वजह इस साल आपके क्वेश्चन पेपर जो हैं पिछले सालों से बिल्कुल अलग आएंगे, क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने इस साल CBSE बोर्ड के पैटर्न को फॉलो कर लिया है, और जिसकी वजह से इस साल आपके क्वेश्चन पेपर जो हैं CBSE बोर्ड की तरह आएंगे। और इसी वजह से ही हरियाणा बोर्ड ने इस साल आपके सैंपल पेपर जुलाई के महीने में ही जारी कर दिए हैं। इससे पहले हरियाणा बोर्ड आपके सैंपल पेपर हमेशा अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में जारी करता था, जब आपके फाइनल एग्ज़ाम पास आ जाते थे। लेकिन इस बार हरियाणा बोर्ड ने आपके सैंपल पेपर जल्दी जारी कर दिए हैं, क्योंकि हरियाणा बोर्ड आपको दिखाना चाहता है कि सभी बदलाव के बाद यानी कि जो चेंजेज हुए हैं उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। और साथ ही साथ हरियाणा बोर्ड ने पहली बार सैंपल पेपर के सॉल्यूशन भी जारी किए हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 12वीं कक्षा का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सैंपल पेपर और उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो सैंपल पेपर है जो हरियाणा बोर्ड ने जारी किया है। सैंपल पेपर 2023-24 यानी कि ये सेशन जो चल रहा है वो 23-24 ही है, और 12वीं कक्षा के लिए है। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए टाइम मिलेगा 3 घंटे, यानी कि आपका फाइनल जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको सोल्व करने के लिए, और 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। उसके बाद नीचे जो है जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखी हैं सेम यही इंस्ट्रक्शन जो है आपके फाइनल क्वेश्चन पेपर में आएंगे, यानी कि बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है सेक्शन ए से, पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं और टोटल 18 हैं। पहले मैं आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और बाद में इसी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 से जो है सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, और जो क्वेश्चन चॉइस में दिए गए हैं इनको भी सोल्व करें। आपको एक नोटबुक बना लेनी चाहिए क्वेश्चन विद सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर के साथ सेक्शन सी, ताकि जब आप बाद में प्रिपरेशन करें अपने एग्ज़ाम की तो आपके लिए आसान हो। उसके बाद है सेक्शन डी, उसके बाद है सेक्शन ई, ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये है क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्किंग स्कीम लिखा हुआ है, क्योंकि इसके द्वारा हरियाणा बोर्ड आपको ये दिखाना चाहता है कि आपको अपने क्वेश्चनों के आंसर कैसे लिखने हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चनों के आंसर लिखे हुए हैं, सेक्शन ए के हैं पहले,
उसके बाद सेक्शन बी, उसके बाद सेक्शन सी, तो ये था आपका 12वीं कक्षा का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सैंपल पेपर सेशन 2023 और 24 के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।